स्वागत है आपका फटाफट ज्ञान में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई जॉब जो कि गवर्नमेंट जॉब है, और वो जॉब है IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2018। ओके, सो देख लेते हैं क्या है सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस जॉब। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट 6/2/2018, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी 2018 से, एंड देन लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन है आपका 28/2/2018। ओके, लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फी है 28/2/2018 की, 28/2018 को आपका लास्ट दिन है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने का एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करने का। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है, मतलब जिनको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो जिनको दी जाती है, मतलब जो एलिजिबल हैं इस ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए 16-21 अप्रैल से होगी, मतलब 16 से 21 अप्रैल 2018 तक उनकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की जाएगी। मतलब उनको एग्ज़ाम के पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपका किस तरह से एग्ज़ाम होना है और उसकी प्रिपरेशन को कराई जाएगी। देन आपका CBT टेस्ट एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 28 अप्रैल 2018, ठीक है, 28/4/2018, मतलब CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होते हैं, तो CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट होगा, वो भी होना है आपका 28 अप्रैल 2018 को। एडमिट कार्ड आपको अप्रैल में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ओके, एग्ज़ाम फ़ी देख लेते हैं। तो जो जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 700 रुपये हैं, मतलब 700 रुपीज़ उनको पे करना होगा। ओके, और जो SC ST कैटेगरीज हैं उनके लिए 150, ST ST कैटेगरीज एंड PH जो आपके PH कैटेगरी वाले हैं उनके लिए भी 150 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका पेड एग्ज़ाम में जो मोड है, मतलब आपको किस तरह से एग्ज़ाम फी पे करनी है, तो आप थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ऑफलाइन चैलेंज, सबमिट फी एट एनी IDBI बैंक, ठीक है, या तो आप ऑनलाइन कर दीजिए डेबिट क्रेडिट कार्ड से या चैलेंज, या फिर अभी चैलेंज बनवा सकते हैं, वो भी IDBI बैंक ब्रांच से ही आपको बनवाना होगा। पोस्ट नेम हम देख लेते हैं। तो जो पोस्ट नेम है, तो जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, जो पोस्ट नेम है आप देख सकते हैं वो है एग्जीक्यूटिव की। टोटल पोस्ट है 384 जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 380 पोस्ट रखी गई हैं। OBC कैंडिडेट्स के लिए 202 यानी 202 फॉर OBC कैंडिडेट्स एंड 122 फॉर SC कैंडिडेट, मतलब SC वालों के लिए 122 सीट रखी गई हैं, एंड 56 फॉर ST, मतलब जो ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 56 सीट अलॉटमेंट है। टोटल जो पोस्ट है वो है 760 सीट है। ओके, एज लिमिट देख लीजिए, तो जो एज लिमिट है 20-25 एज ऑन 1/1/2018, मतलब 1 जनवरी को आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 25 के बीच ही होना चाहिए, उससे अदर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, सो आप डायरेक्टली इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी एज रिलैक्सेशन है किस काज के लिए। इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ये आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब यहाँ पर आपका कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं होना चाहिए, एनी स्ट्रीम हो आपका ग्रेजुएशन ओनली इन्होंने मांगा है, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से माना गया है। जनरल OBC के लिए इन्होंने रखा है 460 रिक्वायर्ड, ठीक है, 60% होना चाहिए जनरल OBC के लिए एंड 55% रिक्वायर्ड होना चाहिए SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए। ओके, IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2018 एंड अदर इन्फॉर्मेशन तो आप विजिट कर सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.idbi.com या .in, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ले चलती हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ओके, तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द IDBI बैंक की आप वेबसाइट देख ही रही हैं, IDBI बैंक लिखा हुआ है एंड आप देखिए यहाँ पर करंट ओपनिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो विंडो है ये खुल के आ जाएगी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपको दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डिटेल पर पहुँच जाएंगे एडवर्टाइजमेंट पर एंड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन IDBI बैंक की जो पोस्ट निकली है एग्जीक्यूटिव 2018 उसके लिए। ओके, सो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।